Hi, this is Velocity Movie and you are watching Wednesday Adam Season 1 Episode 1. So guys, आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वेडनेसडे का पूरा चीज एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे चैनल पे जैसे मैंने वोटिंग किया था उसमें मैक्सिमम ऑफ द वोट आया है वेडनेसडे सीरीज को एक्सप्लेन करो. मैंने ऑप्शन दिए थे हेलो सीरीज, वेडनेसडे एडम का सीरीज एंड कोबरा काई का सीरीज. तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मेजर ऑडियंस देखना चाहती है, 96%+ रेटिंग है जिसपे, वो है वेडनेसडे एडम का. तो यार मेक श्योर करो आप इस वीडियो को देखते हो एंड मैं आपको पर एपिसोड वाइज एक्सप्लेन करने वाला हूँ. लाइक आज हम सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड 1 को एंड अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो वेडनेसडे सीजन को लेकर तो आपको हमारे चैनल पे ही पहले से ही देखने को मिल जाएगा वेडनेसडे एडम्स के 8+ एपिसोड एक्सप्लेन्ड, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. लेकिन गाइस एक बात है, उस वीडियो का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था, इसीलिए मैं मोर फिल्टर एंड मोर एक्यूरेट वीडियो और अच्छी क्वालिटी के साथ इस वीडियो के अंदर आपको पर एपिसोड एक्सप्लेन करना से स्टार्ट कर रहा हूँ. सो यार स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक स्कूल जहाँ पे वेडनेसडे एंट्री करती है और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन होता है ड्रेस का बहुत ही पुराने जमाना का होता है. लाइक मॉडर्न जमाने में ब्लैक एंड वाइट ड्रेसें पहन के स्कूल में घुसती है एंड थोड़ी बहुत अजीब सी लग रही थी उन लोगों के सामने और वो सारे लोग एक अजीब सा ऐसे रिएक्शन देते हैं. इसका एक छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है पक्सली, उसे कुछ बच्चों ने बुली करके एक कबोर्ड के अंदर बंद कर दिया था, सॉरी लॉकर के अंदर उसे बंद कर दिया था. और जैसे वेडनेसडे उसे जाके निकालती है लॉकर से, उसे एक साइकिक आता है, साइकिक पावर होता है इसके पास और इसे भी नहीं पता होता है इस पावर में कैसे मतलब इसको मिल गया है. तब इसे फ्लैश आता है कि कुछ बच्चों ने मतलब इसके भाई को मार के उसको लॉकर के अंदर बंद कर दिया. अब वेडनेसडे को जानते ही हो गए आप, जैसे कि स्टेटस बहुत जगह पे आप देखे हो गए स्टेटस एंड स्टोरी में, ये बहुत खुराफाती और बहुत खतरनाक है थोड़ा. तो यह उन लड़कों के पास ये जाती है और वो जो लड़के लोग होते हैं स्विमिंग पूल कर रहे थे, स्विमिंग पूल में बहुत अच्छे से नहा रहे थे, खेल रहे थे. लेकिन उधर ही दिखाया जाता है वेडनेसडे एंट्री करके कुछ डायलॉग बाजियां करके उसमें पिराना मछलियों को डाल देती है और वो जो पिराना मछलियां होती हैं जिस बच्चे ने मतलब इसके भाई को परेशान किया था उसके पैर पे जाके बाइट कर लेता है. और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वेडनेसडे को इस स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है और ये 8वीं स्कूल से इसे एक्सपेल किया था, समझ रहे हो आप, 8 बार इसे स्कूल से निकाल दिया गया था. उसके बाद हमें दिखाया जाता है इसके पेरेंट्स जो कि गोमेज और मोटिशिया होते हैं और ये लोग मतलब इसे एक न्यू स्कूल में लेके जा रहे होते हैं. और जो वेडनेसडे होती है वो कहती है मैं न्यू स्कूल में जाऊंगी, उधर से भी कुछ ना कुछ कांड करके भाग जाऊंगी बहुत जल्दी. लेकिन उसकी मम्मी पापा कहते हैं तुम टेंशन मत लो क्योंकि ये जो स्कूल है तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, उधर कुछ खास तुम्हें देखने को मिलेगा. अब हमें रिवील होता है इधर जब वेडनेसडे उस स्कूल में पहुंच जाती है तब हमें बताया जाता है इस स्कूल के अंदर जितने सारे स्टूडेंट हैं और टीचर हैं उनके पास भी अननेचुरल पावर है. आप समझ रहे हो, उनके पास भी साइकिक पावर है, वेरुल्फ बनने की पावर है, हाइव बनने की पावर है, मरमेड बनने की पावर है. इन सारे लोगों को कहा जाता है आउटकास्ट, मतलब ये जितने लोग हैं जो इनके पास अलग अलग पावर है ना, वेडनेसडे भी एक्चुअली एक आउटकास्ट ही कहलाएगी जिसके पास साइकिक पावर है. और जो वेडनेसडे के पेरेंट्स होते हैं गोमेज और मोटेशिया, उन्होंने भी इसी स्कूल में पढ़ा था. अब हमें दिखाया जाता है आगे की तरफ, उसी स्कूल के एक जंगल होता है, स्कूल के बाजू में एक जंगल होता है और उसमें एक इंसान जाके पेंटिंग या फिर चाय पी रहा होता है, मतलब पेंटिंग बनाने के लिए गया होता है और वो ब्रेक लेके चाय पी रहा होता है. तभी हमें दिखाया जाता है उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर हमला बोल देता है और हमें दिखाया जाता है उसकी इधर जान चली जाती है. दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वेडनेसडे को स्कूल के अंदर एडमिशन मिल चुका था और वेडनेसडे प्रिंसिपल को चैलेंज भी कर दी थी कि मैं इधर ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं हूँ. तो जो प्रिंसिपल होती है वो भी बोलती है चलो देख लिया जाए तुम कैसे नहीं टिकोगी. उधर ही हमें दिखाया जाता है वेडनेसडे को उसकी रूममेट के साथ इसे मिलाया जाता है और जो रूममेट होती है उसका नाम होता है इनेट. ये पूरा एक अपोजिट लड़की होती है वेडनेसडे के कंपैरिजन में. लाइक इसको हमेशा रंग बिरंगी चीज पसंद होते हैं और वो बहुत हसमुख लड़की होती है, ना कि वेडनेसडे की तरह एकदम मतलब डरावनी तरह. उसके बाद जो इनेड होती है वेडनेसडे को स्कूल के बाहर ले जाती है घुमाने, मतलब स्कूल के अंदर ही उधर घुमाती है. और स्कूल के अंदर ये बात भी फैल चुकी थी कि एक साइकिक लड़की आ चुकी है स्कूल के हाफ सेमिस्टर के अंदर एडमिशन लेके, जिसका नाम है वेडनेसडे. ये बात जो होती है सब लोगों को पता चल गई होती है क्योंकि ये जो है एडम फैमिली से बिलोंग करती थी.
अब उसके बाद जो वेडनेसडे के फादर और मदर होते हैं गोमेज और मोटिशिया, वो लोग घर जा रहे होते हैं और इसे मतलब लास्ट बाय कर रहे होते हैं। उधर ही जो मतलब उसकी माँ होती है मोटिशिया, वो उसे एक डब्लू करके जो एक हाथ में एक चूड़ा टाइप होता है उसे देती है और कहती है ये तुम रख लो, तुम्हें हेल्प करेगी किसी समय पे। और जो वेडनेसडे होती है वो कहती है मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन दे रही हूँ तो रख ले रही हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये लोग उसे जाने से पहले उधर ही अपने परिवार का लास्ट अमानत उसे वेडनेसडे को दे के जाते हैं, जिसे बोला जाता है थिंक। और जो थिंक है ना वो सिर्फ एक हाथ होता है, उसका बॉडी नहीं है, सिर्फ वो हाथ है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वही जंगल का सीन जहाँ पे जो लड़का आया था चाय पीने, जैसे कि मैंने बताया था उसका मर्डर हो गया, उसके ऊपर किसी जानवर या फिर किसी चीज़ ने हमला बोल दिया। उधर ही एक शेरिफ नाम के पुलिस ऑफिसर आते हैं और ये लोग इसकी इंक्वायरी करते हैं। इन्हें पता रहता है कि हाँ ऐसा हमेशा हमला इधर होता है, लेकिन अभी तक इन्हें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था जिससे ये लोग किसी को पकड़ पाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम का वक्त जहाँ पे जो वेडनेसडे होती है वो मतलब सारे जो रंग बिरंगिया चीज़ होती है रूम में से वो सारे हटा रही होती है और जो वेडनेसडे होती है बैठ के नोवल लिखने जा रही होती है। लेकिन जो इनेड होती है वो इसके ऊपर गुस्सा कर जाती है क्योंकि सारे वो रंग बिरंगी चीज़ को इसने हटा दिया था। जैसे कि आपको पता है इनेड जो होती है वेरुल फैमिली से बिलोंग करती है और इसके नाखून अभी छोटे छोटे आते हैं, लेकिन इतने नाखून काफ़ी थे वेडनेसडे का मुंह नोचने के लिए। उधर ही हमें दिखाया जाता है एक टीचर एंट्री कर जाती हैं जो कि प्लांट के बारे में पढ़ाती हैं, उनका नाम है थॉर्नेलिस में। और हमें दिखाया जाता है ये वेडनेसडे से आके कुछ बात करती हैं, लेकिन वेडनेसडे को आप जानते हो थोड़ा साइक लड़की है, इसने ना उनको उल्टा सीधा जवाब देके उनका रोज अपने हाथ में लेके इधर से भेज देती हैं और जो फाइट होने वाला था इधर इनेड और वेडनेसडे के बीच में वो टल जाता है। अब हमें उधर ही दिखाया जाता है अगले दिन का समय जहाँ पे जो वेडनेसडे होती है वो अपना फेवरेट एक्टिविटी करने जाती है जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में तलवारबाजी। लेकिन हमें पता चलता है इधर जो स्कूल की सबसे बेस्ट तलवारबाजी करने में मतलब एक्सपर्ट थी उसका नाम होता है लड़की का बियांका, और इनो एक लड़के से लड़ रही होती है जिसका नाम होता है रॉवर और उस लड़के को बहुत बुरी तरह से हरा देती है। उसके बाद उसका लगती है बेइज्जती करने। तब उधर ही हमें दिखाया जाता है जो बियांका होती है वो कहती है सब लोगों से जोर से चिल्लाकर कि कोई स्कूल में पैदा हुआ है क्या मेरे को हरा सके। एक्चुअली गाइस बियांका के पास एक पावर होता है, मतलब वो तलवारबाजी करने के समय पे कुछ भी बात करेगी ना तो सामने वाला बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। उसके बीच में दिखाया जाता है जो वेडनेसडे है वह चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। और इधर हमें दिखाया जाता है बियांका और वेडनेसडे के बीच में बहुत ही खतरनाक तलवारबाजी। फर्स्ट राउंड में हमें दिखाया जाता है जो वेडनेसडे होती है बियांका को हरा देती है बहुत अच्छे तरीके से, और जो वेडनेसडे होती है वो कहती है अब हम लोग इंटरनेशनल रूल के हिसाब से लड़ेंगे जहाँ पे कोई भी कॉस्ट्यूम नहीं होगा, कोई भी सेफ कवर नहीं होगा, कोई भी फेस मास्क नहीं होगा। इस मैच को डिसाइड होगा किसी का ब्लड निकाल कर, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है सेकेंड राउंड के अंदर जो वेडनेसडे होती है वो हार जाती है और जो बियांका होती है इसके सिर पे एक टैटू लगा देती है अपने तलवार की वजह से। अब हमें दिखाया जाता है जो वेडनेसडे होती है वो अपने शर्त के हिसाब से इस स्कूल को छोड़ के जाने वाली होती है, लाइक फाइटिंग के बीच में इन्होंने शर्त रखा होता है जो हारेगा स्कूल को छोड़ के जाएगा। तब वही जो होती है ये इधर से जा रही होती है और उधर ही दिखाया जाता है तभी जैसे वो मतलब फर्स्ट एड रूम में से बाहर निकलती है इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्टैच्यू गिरता है और उधर दिखाया जाता है एक जेवियर नामक लड़का आके इसकी जान बचा लेता है। उसके बाद फिर से दिखाया जाता है उसी रूम में आती है और जब वेडनेसडे का होश आता है वो कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि मैं बहुत अच्छे से मरने वाली थी इधर और मैं तुम्हें बिल्कुल थैंक्स नहीं बोलेंगी मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए। तब जो जेवियर है वो बोलता है मैं तो बस एहसान अपना चुका रहा था। लाइक गाइस ये जो जेवियर लड़का है ना जब ये छोटा था इसको कुछ लड़कों ने कॉफिन में डाल दिया था और उस कॉफिन को ये लोग आग बारने वाले थे, तब जेवियर की जान जाने वाली थी। उसी समय पे वेडनेसडे थी उसे आके बचा ली थी, इसीलिए वो बोलता है मैं तो बस अपना एहसान चुकाया हूँ। उसके बाद जो वेडनेसडे होती है अपने घर आ जाती है मतलब रूम में आ जाती है और ये पकड़ लेती है थिंक नामक उस हाथ को जो कि बस सिर्फ हाथ है और इससे कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और तुम्हें क्या चाहिए, तुम कौन सी डिटेल मेरे मम्मी पापा के पास भेज रहे हो। तब जो थिंक होता है वो बताता है इशारों के जरिए कि तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने इसीलिए मुझे इधर छोड़ा है ताकि मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। उसके बाद जो वेडनेसडे होती है वो कहती है तुम अब से मेरे लिए काम करोगे, अगर तुम्हारे पास अब दो ही ऑप्शन है, तुम मेरे लिए काम करो अदरवाइज तुमको मैं इस लॉकर के अंदर हमेशा परमानेंट बंद कर दूंगी। तब जो थिंक होता है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है इसीलिए वो कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए अब काम करूंगा।
अब आगे हमें दिखाया जाता है, जैसे कि आपको पता ही होगा, बहुत सारे स्कूल से एक्सपेल होने के बाद वेडनेसडे को कोर्ट वाले और जो मतलब पुलिस वाले होते हैं उन्होंने बोला था इसे थेरेपी लेना कन्फर्म है, मतलब लेना ही पड़ेगा। इसीलिए दिखाया जाता है जो प्रिंसिपल होती हैं वो लाई होती हैं वेडनेसडे को एक मेंटल थेरेपिस्ट के पास, और जो मतलब डॉक्टर होती है वो उससे बात करती है कि क्या तुम सच्ची में से हरकत करती हो, जानबूझ के करती हो, या फिर वो तुम्हारे अंदर से ही वैसे बिल्डअप क्वालिटी है। तो जो वेडनेसडे होती है वो इसका जवाब देने के बदले वो कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैंने कैसे पुराने पुराने जो डॉक्टर थे उनको डराया, धमकाया, परेशान किया, मतलब बहुत ज़्यादा अपनी लगती है कहानी बताने ताकि वो जो डॉक्टर है डर जाए। उसके बाद जो वेडनेसडे होती है वो बोलती है मुझे वॉशरूम जाना है, और उस हैंड की मदद से उधर का विंडो खोल के उधर से वेडनेसडे भाग जाती है, और जैसे ही डोर में भाग रही होती है वो एक फ्रूट सेलर से टकरा जाती है, और उसे फ्लैश आता है फिर से, जो मतलब फ्रूट सेलर है उसकी कुछ समय पे एक्सीडेंट होगी, उसकी मौत होने वाली है, लेकिन वेडनेसडे उसे बताती नहीं है क्योंकि मतलब उसे भी देखना था क्या मेरा जो फ्लैश आता है वो सच्ची में सही होगा। उसके बाद जो वेडनेसडे होती है वो एक होटल में चली जाती है, और उधर के वेटर से वो बोलती है मुझे कॉफ़ी चाहिए, लेकिन जो वेटर होता है वो कहता है कि कॉफ़ी की मशीन मैडम ख़राब है अभी, इसलिए हम कॉफ़ी नहीं तुम्हें दे सकते हैं। तब जो वेडनेसडे होती है उस मशीन को रिपेयर कर देती है और उस वेटर से कहती है, और वेटर का नाम है इधर टाइलर, मैं आपको टाइलर अब बोलूँगा, वेटर नहीं बोलूँगा। और जो टाइलर होता है वो कहता है और क्या चाहिए मैडम, तो जो वो वेडनेसडे होती है वो कहती है मैं तुम्हें पैसा दे रही हूँ और मुझे अभी तुम इधर से कैब बुक कर दो। तब जो टाइलर होता है वो कहता है ये जो गांव है बहुत छोटा है, इधर आपको ऊबर जैसे कैब नहीं देखने को मिलेगा। तब जो वेडनेसडे होती है वो कहती है तो मैं तुम्हें और पैसा दे रही हूँ, कैसे भी करके मुझे इधर से दूर भगाओ। तब जो टाइलर होता है कहता है आप बैठिए, कुछ देर में मैं इधर से दूर ही जाने वाला हूँ, आपको मैं कैरी करके लेके जाऊँगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसिपल होती है वो पहुँचती है उस डॉक्टर के पास और कहती है कि कहाँ है वेडनेसडे। तब जो वो डॉक्टर है वो कहती है वेडनेसडे से भाग गई। अब दिखाया जाता है जहाँ पे वेडनेसडे बैठी होती है उधर ही कुछ दूसरे स्कूल के लड़के आ जाते हैं, और गाइस ये जो स्कूल के लड़के होते हैं इनके पास कोई भी पावर नहीं होती है, और ये आके पंगा ले लेते हैं वेडनेसडे से। अब हमें दिखाया जाता है जो वेडनेसडे होती है आप तो जानते ही हो, वो तीन लड़के हों या फिर चार लड़के हों उनके ऊपर भारी पड़ जाती है, और जो वेडनेसडे होती है इनसे फाइट कर लेती है और इन तीनों लड़कों को अच्छे से मजा चखाती है। उसी फाइट के दौरान में हमें दिखाया जाता है उधर एक वो पुलिस वाला आ जाता है, और जो वेटर होता है वो बाहर निकलता है, और जो पुलिस वाला होता है वो एक्चुअली वेटर का बाप होता है, और वेटर टाइलर है, सॉरी मैं बार बार वेटर बोल रहा था, जो टाइलर है वो पुलिस का बेटा होता है। ओके, तो अब उधर जो प्रिंसिपल होती हैं वो भी आ जाती हैं, और जो पुलिस वाला होता है वो वेडनेसडे का कपड़े का स्टाइल देख के वो पहचान जाता है तुम एडम फैमिली से ही हो ना, और कहता है तुम्हारा बाप मर्डरर निकल के भाग गया और तुम इस शहर में आके छोटे छोटे लड़कों को मार रही हो। तब हमें दिखाया जाता है इधर रिवील होता है जो वेडनेसडे का बाप है गोमेज वो किसी का मर्डर किया है। उसके बाद हमें सीन कटता हुए दिखाया जाता है जो प्रिंसिपल होती है उधर से वेडनेसडे को बचा के कार से लेके जा रही होती है फिर से स्कूल के पास, और बीच में ही दिखता है वेडनेसडे को एक्सीडेंट, और जो प्रिंसिपल होती है वो कहती है ये तो बहुत बुरी एक्सीडेंट हुई है जहाँ पे ड्राइवर की गली टूट गई है। और वेडनेसडे को रियलाइज़ होता है कि हाँ जो मैं फ्लैश देखती हूँ वो सच्ची में होता है। उसके बाद वो घर पे आके वायलिन बजा रही होती है। उसी सीन में हमें दिखाया जाता है एक रोवन नाम का लड़का जाता है लाइब्रेरी में, मतलब हिडन लाइब्रेरी के अंदर कहीं पे जाता है, उस बुक में से एक पन्ना फाड़ लेता है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है टाइलर का घर जहाँ पे वो पुलिस स्टेशन से एक मतलब फाइल को चोरी किया होता है। उसके बाद जो टीचर होती हैं वो भी एक मतलब जीवित प्लांट में कुछ फीड कर रही होती हैं। उसके बाद दिखाया जाता है जो वेडनेसडे होती है वो एनिड को अपना सारा प्लान बता देती है, और जो एनिड होती है वो बताती है कि अब लगता है मैं कभी वेयरवुल्फ बन नहीं पाऊंगी क्योंकि बहुत दिनों से जो मेरे नाखून हैं ये बढ़ नहीं रहे हैं। ये सब बताते हुए वो लगती है रोने उसी बीच में। तब वेडनेसडे होती है देख के कहती है तुम रो क्यों रही हो, लाइक मतलब रोने में इसमें रोने में क्या बात है। तब जो इनिड होती है वो कहती है तुम्हारे पास फीलिंग नहीं है क्या। तो वेडनेसडे कहती है फीलिंग क्या होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गाइस एक फ्लैशबैक स्टोरी जहाँ पे वेडनेसडे का एक पेट होता है, और पेट में आप सोच सकते हो सारे लोग कुत्ते बिल्लियों को रखते हैं, लेकिन वेडनेसडे से ने एक बिच्छू को रखा था अपना पेट। ओके, तो उस बिच्छू को ये बाहर टहला रही थी, उसी समय पे कुछ लड़के लोग आते हैं और वेडनेसडे को पकड़ लेते हैं और उस बिच्छू के ऊपर साइकिल चढ़ा के उस बिच्छू को मार देते हैं। उस दिन जो वेडनेसडे होती है बहुत ज़्यादा रोई थी, लेकिन उसके बाद से अभी तक वेडनेसडे के आंखों में आंसू नहीं आया है क्योंकि उसको मतलब उसी दिन से फीलिंग जो होता है उसके नाम में से ख़त्म हो गया, फीलिंग मिट गया था। और उसके बाद हमें बताया जाता है जो वेडनेसडे होती है वो बताती है इनिड को कि कैसे मैं कल भागने वाली हूँ, और जो वेडनेसडे होती है वो कॉन्टैक्ट करने का कोशिश करती है उस
वेटर से, वेटर मतलब टाइलर से। टाइलर के पास अपना थिंक वाला जो होता है हाथ भेज देती है और टाइलर एक कटे हाथ को देख के सच्ची में इसकी फट जाती है, उसे मारने लगता है। लेकिन बाद में उधर से नंबर लेके वेडनेसडे को कॉल करता है और हमें दिखाया जाता है, जो वेडनेसडे होती है वो बताती है कल हमारे स्कूल में फेयरवेल होने वाला है और मुझे अच्छा मौका है जहाँ पर मैं भाग सकती हूँ तुम्हारे साथ। अब दिखाया जाता है जो टाइलर होता है वो भी पहुँच चुका था और जो वेडनेसडे होती है वो भी तैयार थी भागने के लिए। और जो उधर प्रिंसिपल होते हैं ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब नज़र रख के बैठी थी वेडनेसडे के ऊपर, क्योंकि तुम्हें पता है वेडनेसडे भागने में ही एक्सपर्ट थी और सब लोगों को ये बात पता है, इसीलिए प्रिंसिपल का नज़र हटने वाला नहीं था उसके ऊपर से। अब हमें दिखाया जाता है ध्यान भटकाने के लिए वेडनेसडे जाती है एक गेम खेलने और उसमें से एक टॉय जीत जाती है और एक आदमी को पैसा देके कहती है जाओ इस टॉय को उस प्रिंसिपल को दो। उसी समय पे जैसे प्रिंसिपल का ध्यान भटकता है वेडनेसडे उधर से भागती है और वो जाके मिलती है, कहती है टाइलर से और देखो अब जैसे सही समय मिलेगा हम लोग भाग जाएंगे इधर से। ओके, तब उधर दिखाया जाता है वो जो तीन लड़के लोग मिले थे इसे होटल के अंदर, होटल मतलब जहाँ पे वेटर में वेटर काम करता था ना उधर ही, तो तीन लड़के वेडनेसडे को मारने के लिए आए थे उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसी बीच में जब वेडनेसडे भागती है वो जाके टकरा जाती है रोवन से, रोहन नहीं गाइस, रोवन उसका नाम होता है, उससे टकरा जाती है और उसे फ्लैश आता है कि ये लड़का जो है मरने वाला है कुछ समय के अंदर जंगल के अंदर। अब वेडनेसडे होती है सारा काम अपना छोड़ के उसके पीछे भागती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है जो रोवन होता है उसके पास आने के पास रोवन कहता है कि असली खतरा तो तुम हो, लाइक मुझे तो इधर जिम्मेदारी मिला है कि तुम्हें कैसे भी करके मारना है, तुम्हारी इधर जान लेना है। लेकिन उधर जो वेडनेसडे होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारा खतरा नहीं हूँ, तुम्हारे जान को खतरा है इधर। लेकिन हमें दिखाया जाता है उसी बीच में वो वेडनेसडे को मारने वाला होता है, लेकिन वेडनेसडे को मारने से पहले उधर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आता है जिसे हम लोग हाइव कहते हैं, उस मॉन्स्टर ने उस रोवन को मार देता है और उधर से चला जाता है। जब वेडनेसडे को समय मिलता है वो पहुंचती है रोवन के पास और वो देखती है क्या जिंदा है, लेकिन वेडनेसडे को पता चलता है नहीं ये तो मर चुका है। तब उधर से जो पेपर होता है उस पेपर को उठा के ये घर पे पहुंचती है। आप समझ सकते हो गाइस, कॉलेज के फर्स्ट डे में, सॉरी स्कूल के फर्स्ट डे में ही वेडनेसडे के सामने बहुत बड़े बड़े सस्पेंस आ गए थे, लाइक वो जो रोवन था इसे क्यों मार आया था, उसने मरने से पहले ये बात कही थी कि 25 साल पहले ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि तुम जो हो इस पूरे स्कूल के लिए खतरा हो, तुम सबको मारोगी, और वो जो मॉन्स्टर था फॉरेस्ट के अंदर वो कौन सा था, और जो वेडनेसडे है अब इस सारे चीज से कैसे डील करेगी, ये सब गाइस अब हमें पता चलेगा अगले एपिसोड के अंदर। अंटिल देन आप मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब करते हो एंड वीडियो को लाइक करते हो। और गाइस अब अगर आपको फास्ट एक्सप्लेनेशन इस एपिसोड्स का सुनना है ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा जहाँ पे वीडियोस हैं इसी सीरीज के ही, पहले से ही एक्सप्लेन्ड वीडियो हैं, आप जाके मेक श्योर करो एक बार देखते हो। अगर आपको ऑडियो और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग उसी को देख के पूरा एंजॉय कर सकते हो, पूरा इस सीज़न को ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही एक्सप्लेन करके इस सीज़न को ख़त्म कर दिया था, लेकिन एक और बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि और अच्छा से क्वालिटी इंप्रूव करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरे डिटेल वाइज में। Meet you guys in the next video. Until then, bye bye. Take care. Love you.